हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन इरफान है और मैं आप सभी को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने 10th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम पर शिप पर जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका रैंक क्या रहेगा और आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, और ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख के मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर जब आप फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास में पासपोर्ट होगा, CDC होगी, आपने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी। अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि आप कहां से जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। खासकर ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि आपको ये पता होना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम पे शिप पे जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, और सेफ्टी के बारे में भी मैं इसमें ज़रूर बताऊंगा कि सेफ्टी शिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जा रहे हैं, अगर आप ने डेक चूज़ किया है तो डेक के लिए मैंने ये ऑलरेडी एक चार्ट मेंशन करके रखा हूँ, और अगर आपने इंजन चूज़ किया है तो इंजन के लिए भी मैं बता के रखा हूँ। तो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जा रहे हैं तो आपने OS के रैंक पे आपकी एंट्री होगी। सबसे पहला आप जो अगर आप डेक रेटिंग के थ्रू जाएंगे, रेटिंग के थ्रू, ठीक है दोस्तों, आपने GP रेटिंग की है, GP रेटिंग अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा कि आप इंजन में भी जा सकते हैं और डेक के पास में भी जा सकते हैं। अगर डेक डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो ये डेक का चार्ट बना हुआ है। डेक का मतलब होता है जो लोग जैसे मैनूवरिंग करते हैं, डेक के ऊपर में काम करते हैं, वो सब जो नेविगेशन में हेल्प करते हैं, वो सारे लोग ये डेक में आते हैं। और इंजन में आते हैं मशीनरी के, जितने भी मशीनरी रहती है वो सारा इंजन के उसमें आता है। और आपने अगर GP रेटिंग कंप्लीट किया तो मैं बताया हूँ कि आपका जो फर्स्ट रैंक होगा इंजन में वो आपका होगा वाइपर का। अब आप समझ जाइए कि जो ये GP रेटिंग का जो कोर्स होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि GP रेटिंग एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डेक में भी जा सकते हैं, इंजन में भी जा सकते हैं, और इसके लिए आपको 10th पास करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी 40% के अबव होना आपको कंपलसरी है, तभी आपको एकेडमी में ट्रेनिंग मिल पाएगी। और एज भी मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ, 17.5 साल से ले कर 25 साल के अंदर होनी चाहिए, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। मेडिकली फिट होना चाहिए। जैसे आपको एक चीज़ और है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, 6x6, 6x9 चलेगा, और सी के लिए फिट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम में जब आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में सपोज़ कि आप डेक में जा रहे हैं तो डेक में आपका फर्स्ट रैंक होगा OS का। OS का ये मतलब होता है ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन का मतलब होता है कि समझ लीजिए आपको जो काम दिया जाएगा वो काम आपको बोसन देंगे। और ये एक चेन रहता है, मर्चेंट नेवी में हर एक चेन फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि बोसन आपको वर्क देंगे, ठीक है, और बोसन को कौन वर्क देगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। बोसन को चीफ ऑफिसर जो होते हैं वो ऑर्डर देंगे। तो काम कराने का एक चैनल होता है, काम OS को करना पड़ेगा, EB को करना पड़ेगा, बोसन को भी करना पड़ेगा, लेकिन सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका रैंक होगा OS का। अभी आप OS में जब आपने एंट्री की तो समझ लीजिए आप अगर सप्लाई वेसल में गए तो अराउंड आपको $250 से आपका चालू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपने ITF कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, आपने बड़ी कंपनी ज्वाइन की, तो ये सैलरी डायरेक्टली आपकी समझ लीजिए $500 के अबव हो जाती है। तो OS की रैंक जो है उसमें आपको 250 मिल सकता है सप्लाई वेसल में, और $500 मिल सकता है ITF कंपनी में। ये डिपेंड करता है आप कौन सी शिप में जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। और सेम ऐसी वाइपर का भी है, वाइपर भी आप जैसे सप्लाई वेसल में जाएंगे, सप्लाई वेसल हो गई, ऑफशोर वेसल हो गए, या गल्फ की कंपनी हो गई, तो वाइपर की भी रैंक समझ लीजिए 250 से चालू होती है, $250 से। अगर आप ITF कंपनी में जाएंगे तो ITF कंपनी में $500 के अबव रहती है।
तो फर्स्ट रैंक आपका समझ लीजिए ओएस हो गया, ऑर्डिनरी सिम है, और इंजन में अगर आप जाते हैं तो इंजन में हो गया वाइपर का। तो होप करता हूँ ये दोनों रैंक आपका आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे आपने ऑनबोर्ड ओएस में गए, ओएस में जाने के बाद में आपको वॉच कीपिंग के लिए, ये आपको एबल सीमैन के लिए आपको वॉच कीपिंग होना कंपलसरी है, और ऑयलर के लिए भी वॉच कीपिंग होना कंपलसरी है। अब ये वॉच कीपिंग क्या होता है दोस्तों, वॉच कीपिंग एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो डीजी साइट से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको वॉच कीपिंग के लिए कितना सी टाइम चाहिए होगा, मतलब आप सी टाइम का मतलब होता है कि आपने जहाज़ पे कितना टाइम लगाया है, तो उसके लिए आपको वॉच टाइम के लिए कम से कम आपको नाइन मंथ का आपको सी टाइम चाहिए होगा। उसके बाद में आपको सारा रिकॉर्ड आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद में फिर आपको MMD के थ्रू जो साइट होती है MMD के थ्रू आपको वॉच कीपिंग प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका रैंक प्रमोट हो जाएगा। मतलब आपको OS से आपको रैंक प्रमोट किया जा रहा है, तो आपको रैंक हो जाएगा एबल सीमैन का, ठीक है। और वही आप यहाँ पे अगर जब आप आते हैं तो आपका नेक्स्ट जो रैंक होगा वाइपर से आपका नेक्स्ट रैंक हो जाएगा ऑयलर का। तो ऑयलर की सैलरी क्या रहती है, ऑयलर की सैलरी समझ लीजिए फिर आपको $500 से अबोव रहेगी, ठीक है दोस्तों। और जो ये सप्लाई वेसल है, सप्लाई वेसल में सैलरी थोड़ी कम ही रहती है और ITF में ज़्यादा रहती है, तो समझ लीजिए आपको $500 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट आने के लिए बोसन के लिए, अब दोस्तों जब आपने 9 मंथ किया है तो आप समझ जाइए कि आपको फिर बोसन के लिए भी आपको सी टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस बेस पे होता है, इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट कहीं पर भी मतलब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस बेस पे कंपनी अगर चाहेगी तो आपको 36 महीने के बाद में एज अ बोसन सेल ज्वाइनिंग के लिए ले सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका बोसन का। अब बोसन के बाद में क्या रैंक आता है, बोसन के बाद में जब आप क्रू के लाइन में रहेंगे, ठीक है दोस्तों, क्रू के लाइन में रहेंगे तो ये आपका लास्ट रैंक होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लास्ट रैंक होता है ऑयलर का, ऑयलर के बाद में ये रैंक ख़त्म हो जाता है, इसके बाद में आता है ऑफिसर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ऑफिसर्स के लिए जब आपका फर्स्ट रैंक होता है वो होता है थर्ड ऑफिसर का। अगर आपने BSc नॉटिकल साइंस किया है तो पहला आपका होगा डेक कैडेट का। डेक कैडेट कंप्लीट करने के बाद में 36 महीने का ये रहता है, जिसमें से आपको जो 12 महीने रहता है वो एकेडमी में रहेगा, उसके बाद में जो 24 महीने का रहेगा वो आपको सी टाइम, जैसे आपने OS के लिए सी टाइम निकाला है वैसे ही आपको कैडेटशिप के लिए भी सी टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे, फिर ये समझ लीजिए आप यहाँ से प्रमोट जंप होकर डायरेक्टली ऑफिसर लाइन में आ गए। सेम ऐसा ऑयलर का भी रहता है, अभी ऑयलर का भी आप जब आपका सी टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर आप जंप होके फिर इंजीनियरिंग के लिए आ जाएंगे, जैसे 5th इंजीनियर हो गया, 4th इंजीनियर हो गया, 3rd इंजीनियर हो गया, 2nd इंजीनियर हो गया, लास्ट में चीफ इंजीनियर साहब हो गए, जिसको बड़ा साहब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें हो गया डेक कैडेट के बाद में थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन साहब। तो लास्ट रैंक आपका मास्टर रहेगा, मास्टर पूरी जहाज का हेड रहता है, तो आपको पता ही है कि मतलब मास्टर की क्या ड्यूटी रहती है। अब ये दो डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट के बारे में बताया हूँ। अब ये दो डिपार्टमेंट छोड़ के एक डिपार्टमेंट और भी होता है मर्चेंट नेवी में, एक डिपार्टमेंट और भी होता है, वो होता है सलून डिपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या रहता है, अभी इसकी ड्यूटीज़ तो डेक पे काम करने की हो गई, ठीक है, अब इसकी ड्यूटीज़ हो गई इंजन में काम करने के लिए। अब रहा कौन, आपको खाना बना के कौन देगा, उसके बाद में ऑफिसर्स के लिए मतलब मेस रूम कौन संभालेगा, तो ये सारा डिपार्टमेंट सलून के अंडर में आता है। तो जैसे आपने कोर्स किया, CCMC कोर्स होता है, अगर कुकिंग लाइन में आप जाएंगे तो CCMC कोर्स करने के बाद में जो आपका पहला रैंक होगा वो रहेगा जनरल स्टीवर्ड का, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा जनरल स्टीवर्ड का। तो जनरल स्टीवर्ड में अमूमन आप समझ लीजिए जनरल स्टीवर्ड की जो सैलरी रहेगी वो $250 से स्टार्ट हो जाती है, अगर सप्लाई वेसल रहेगी तो ITF कंपनी की, तो समझ लीजिए ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद में जब रैंक प्रमोट होता है, जनरल स्टीवर्ड
का काम रहता है कि जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको मतलब खाना सर्व करना, और जो टॉप फोर रैंक रहते हैं जैसे कैप्टन साहब, उसके बाद में चीफ इंजीनियर साहब, उसके बाद में फिर चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर साहब, उनके रूम की साफ़ सफाई, ठीक है, और उनको मतलब पूरे ऑफिसर्स को खाना देने का काम स्टीवर्ड का रहता है, स्टीवर्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर स्टीवर्ड ने अपना टाइम निकाला अब कुकिंग में, उसके बाद में जब फर्स्ट बार वो शिप पे जाएगा तो वो जाएगा एज अ असिस्टेंट कुक, डायरेक्टली चीफ कुक पे नहीं चला जाएगा, ठीक है, पहला असिस्टेंट कुक। कंपनी उसको देखेगी, हाँ ठीक है ये फर्स्ट टाइम में आ रहा है, और चीफ कुक उसको ऑर्डर देंगे कि सिखाएंगे उसको कि क्या क्या कैसे कैसे जहाज पे काम करने का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर जो लास्ट रैंक रहेगा वो चीफ कुक का रहेगा। तो समझ गए दोस्तों, ये हो गया कुकिंग, कुकिंग के लिए, ये हो गया इंजन के लिए, और ये फर्स्ट वाला हो गया डेक के लिए। तो ये सारे तीन डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग सैलरी है, और स्टार्टिंग आप समझ लीजिए आपको ओएस में जाना पड़ेगा, आपको वाइपर में जाना पड़ेगा, आपको जनरल स्टीवर्ड में जाना पड़ेगा। जनरल स्टीवर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है जीएस, ओएस, वाइपर, जीएस, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और होप करता हूँ आपको मैं समझाने में मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट की मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन कमेंट आप क्लियरली लिखिए ताकि मैं उसको समझ के उसके रिप्लाई कर सकूँ। और होप करता हूँ कि आगे भी मैं और अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। आप मेरे को टॉपिक दीजिए, अगर आपको कुछ और वीडियोस के ऊपर में जानकारी चाहिए तो आप, मैं उसके ऊपर में भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।